स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी फॉर ग्रेड थर्ड। टेक आउट योर हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक, हिंदी व्याकरण वाटिका एंड ओपन इट पेज नंबर 25। पेज नंबर 25, लेसन नंबर 4, संज्ञा। लेसन नंबर 4, संज्ञा। इंग्लिश में उसे कहते हैं नाउन। इंग्लिश में कहते हैं नाउन। जब आप लोग सेकंड ग्रेड में थे तब उसे हम क्या कहते थे? नाम वाले शब्द। क्या कहते थे? नाम वाले शब्द। तो अभी आप लोग थर्ड ग्रेड में आ गए हो तो नाम वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 25, देखो पढ़ो और समझो। मयंक और गीता भाई बहन हैं। मयंक और गीता भाई बहन हैं। वे अपने माता पिता के साथ लाजपत नगर बाजार में गए। मयंक के साथ उनका दोस्त आनंद भी था। मयंक और आनंद की दोस्ती बहुत गहरी है। मयंक के माता पिता ने मयंक और गीता के लिए कपड़े और जूते खरीदे। आनंद के लिए मयंक ने वीडियो गेम खरीदा। बाजार में आनंद को उसका पुराना दोस्त रोहन मिला। रोहन रोहतक में आनंद के साथ पढ़ता था। रोहतक क्या है? तो एक शहर का नाम है। तीनों मित्रों ने मिलकर आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम की ठंडक और मिठास से उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में रंगीन शब्द नाम बता रहे हैं, यही संज्ञा है। जो यहाँ पर रेड कलर से शब्द है वो क्या है? नाम वाले शब्द मतलब संज्ञा है। जैसे मयंक, गीता, भाई बहन, माता पिता, लाजपत नगर, आनंद, दोस्ती, कपड़े, जूते, वीडियो गेम, दोस्त रोहन, आइसक्रीम, ठंडक, मिठास, प्रसन्नता। तो चलो नीचे देखते हैं व्यक्तियों के नाम। इस पैराग्राफ में जो व्यक्तियों के नाम है, पर्सन्स के नेम है, वो कौन कौन से हैं? तो एक है मयंक, गीता, ब्रदर एंड सिस्टर मतलब भाई बहन, माता पिता, आनंद और रोहन। स्थानों के नाम कौन कौन से हैं? तो लाजपत नगर और रोहतक। वस्तुओं के नाम कौन कौन से हैं? तो कपड़े, जूते, आइसक्रीम और वीडियो गेम। भावों के नाम क्या है? अब एक और नया जो है संज्ञा वो ऐड हुआ। अब तक आपको पता था, सेकंड में आप पढ़ चुके थे कि व्यक्तियों के नाम, वस्तु के नाम और स्थानों के नाम। अभी एक जो संज्ञा है वो ऐड हुआ, वो क्या है? भावों के नाम। भाव का मतलब होता है कि हम देख नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे भाव कहते हैं। हम जो चीज़ महसूस कर सके, फील कर सके, उसे भाव के नाम कहलाते हैं, उसे हम भाव कहते हैं। वो सारी जो चीज़ है, वो सारे जो नाम है, वो किस में जाएंगे? भाव के नाम में जाएंगे। जैसे दोस्ती, दोस्ती देख नहीं सकते बट फील कर सकते हो कि हाँ मेरा ये बेस्ट फ्रेंड है और हमारे और उसके बीच में जो दोस्ती है वो बहुत गहरी है। ठंडक, ठंडक कभी देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो। जैसे गर्मी, गर्मी हम देख सकते हैं नहीं लेकिन फील करते हैं कि हाँ उसको पसीना हुआ, मतलब उसको गर्मी लग रही है। मिठास, हम लड्डू खाएंगे तो उसके अंदर से हमें क्या आएगा? कड़वा लगेगा लड्डू? नहीं, वो मीठा लगेगा। लड्डू में से हमें मिठास मिलेगी। तो मिठास हम फील कर सकते हैं, ओके, उसको देख नहीं सकते। प्रसन्नता यानी खुशी, कोई लड़का या लड़की हैप्पी हो, खुशी हो तो हमें उसके चेहरे से दिख जाती है हाँ वो खुश है। वो अपने आप भी महसूस कर सकता है कि मैं आज खुश हूँ। तो दोस्ती, ठंडक, मिठास और प्रसन्नता वो किस में जाएंगे? भावों के नाम में जाएंगे। टर्न योर पेज। अतः हम कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु,
स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, प्राणी में कौन आएगा? एनिमल्स भी आएंगे, बर्ड्स भी आएंगे और हम यानी मनुष्य, व्यक्ति, पर्सन वो भी आएगा। प्राणी मतलब ऐसा नहीं कि अकेला एनिमल्स ही, ओके। प्राणी में क्या आएगा? हम भी आ सकते हैं, बर्ड्स भी आ सकते हैं और एनिमल्स भी आ सकता है। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम तरह तरह के होते हैं, तरह तरह के डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे प्राणियों के नाम तो शाहरुख खान, इंदिरा गांधी, हाथी। सेकंड है वस्तुओं के नाम, कुर्सी, बस्ता, खिलौना। थर्ड है स्थानों के नाम यानी प्लेस के नाम, दिल्ली, शिप्रा मॉल, ताज महल। नंबर फोर भावों के नाम, तो बुढ़ापा, सर्दी, हरियाली, हरियाली यानी ग्रीनरी, ग्रीनरी हरियाली हम देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, ओके। तो वो भाव में जाएगा। बुढ़ापा, कोई दादा होगा, दादी होगा, उनको बुढ़ापा, ऐसे चेहरे पे झुर्रिया यानी रिंकल्स दिखाई देते तो हमें पता चल जाता है कि हाँ अब ये बूढ़े हो गए हैं। तो बुढ़ापा, सर्दी, सर्दी जब लगती है, सर्दी हो जाती है, ठंड लगती है तो वो हम फील करते हैं, तो किस में जाएगा? भाव में जाएगा। कोई आदमी है वो दुखी है, कोई आदमी है वो दुखी है, तो दुख भी किस में जाएगा? भाव में जाएगा। तो बुढ़ापा, सर्दी और हरियाली। बच्चों, दिए गए नामों को देखकर आप क्या समझे? यही कि प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों, भावों आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे डेज के नाम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हम बोलते दिनों के नाम तो वो भी संज्ञा कहलाते हैं। नदियों के नाम वो भी संज्ञा कहलाते हैं। फिर महीनों के नाम वो भी संज्ञा कहलाते हैं। पहाड़ों के नाम वो भी संज्ञा कहलाते हैं। फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम वो भी संज्ञा कहलाते हैं। इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि जब भी किसी चीज़ का, वस्तु का, व्यक्ति का, एनिमल्स का, बर्ड्स का नाम हो, जिसका भी नाम होता है वो संज्ञा कहलाता है, या तो नाम वाले शब्द कहलाते हैं। आपको अपने आसपास बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? संज्ञा है। आप लोग स्कूल में आते हो और बेंचेस पर बैठते हो तो वो भी बेंच, वो क्या है? वो भी संज्ञा ही है, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है और नाम ही संज्ञा है। जो नाम है वो ही संज्ञा है। तो व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान सब करवाते संज्ञा का ज्ञान, ओके। तो ये जो चैप्टर है लेसन नंबर फोर, वो आपको अच्छे से रीड करना है। अगर आपको समझ में ना आए, क्वेरी हो तो आप मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हो, ओके। बाय एवरीवन।